के सीतापुर जिले की तहसील बिसवा क्षेत्र रतनगंज गांव में बीते सप्ताह शारदा नदी की आगोश में लगभग 3 दर्जन आशियाने नदी में कटकर बह गए थे। लोगों की घर गृहस्थी और खाने पीने का सभी सामान नदी में बह गया था। वहीं घर से बेघर हुए कटान पीड़ित बरसात के मौसम में सड़क किनारे सरकारी स्कूल खेत खलियानों में इधर उधर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। प्रशासन द्वारा कटान पीड़ित कुछ लोगों को सहायता के तौर पर 1,20,000 का प्रमाण पत्र देने के साथ ही राशन किट भी दी है, लेकिन वर्तमान समय में घर से बेघर हुए कटान पीड़ित गाँव के बाहर इधर उधर रातें गुजारने को मजबूर हैं। हो गए गिरे। परिवार में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं परिवार के। खाने पीने का इंतजाम कैसे हो रहा है? खाने पीने का इंतजाम सर कोई ना, अगर खाना आएगा तो मिला, ना आया हुआ तो कोई इंतजाम खाने पीने का नहीं है। तो घर आपका जब कटा था उसके बाद आपको कुछ आश्वासन दिया गया कि जगह मिलेगी? नहीं, दिया तो गया लेकिन मिल नहीं रही। जब मिल जाए तब हम जाने की यहाँ मिल जाए। लोग बताए रहे हैं कि मिले के व्यवस्था की जा रही है। हाल चाल लेने के लिए आता है? हाल चाल लेने के लिए आ रहे हैं। डीएम साहब, एसडीएम साहब सब लोग आए रहे हैं। हाल चाल लेते हैं, बताए रहे हैं, जगह मिली, 1,20,000 के चेक मिली। मिल गई आपको? हाँ मिल गई। हाँ, फिर रहने के लिए बड़ी तकलीफ है। यहाँ स्कूल में पढ़े हैं बच्चे, लिए हार में समझो हम। यह है कि नदी काट ली से तो ऐसी ऐसी मारे मारे घूमे थे। कितने दिन हो गए घर कटे हुए आपका? आज हो गए 8 दिन। तो 8 दिन जो है आप अपनी कैसे जिंदगी काट रहे? सड़क किनारे भैया काट रहे हैं और वो लड़का कोई भूखन मरे जाते हैं। कितने बच्चे हैं? हाँ 4। कमाने वाले हैं? कमाने वाले कोई ना है, कमाने वाले जो रहे तो सब वो अलग है। और हमारे तेरे जो बचे हैं 4 छोटे। हाँ तो खाने पीने का? खाना पानी का भैया यहाँ दे जाते हैं तो खाते पीते हैं, ऐसी ऐसी परे हम। प्रशासन और सरकार के द्वारा कुछ मदद मिली आपको? कुछ ना भैया मिली है भैया। हाँ कुछ? अच्छा, जो घर कटे थे बताया जा रहा है कि इन लोगों को घर दिया जाएगा? तो घर जब दिया जाएगा तो कुरवा है सड़क के दाते में भगाए गए थे। तो पानी बरसा थे कहूँ मारे मारे घूमी थी। तो कहा बताई दी सरकार, हमका कहा दे दी? जब दिया तब हम जाने हमका दे दिए।